पे 3 हैं, 7 बज रहे हैं। कल रात में हम बरसाना में ही रुक गए थे। ताजमहल किस तरह से दिखता है ड्रोन से। लखनऊ जाने के बाद हम आपको लखनऊ की भी व्यू दिखाएंगे। लखनऊ में पहुंच गए आज बेहतरीन। अभी लखनऊ पहुंच चुके हैं। वेलकम टू नवाबी शहर। अभी हम लखनऊ में हैं, जिसको नवाब का शहर भी कहा। हेलो व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त रुश्म कुमार साबत और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद साबत फैमिली। रात हो गई थी इसलिए मैं आपको लखनऊ प्रॉपर तरीके से तो नहीं दिखा पाया था। ये सुबह होते ही सबसे पहले आपको ओल्ड लखनऊ मॉर्निंग में किस तरह से दिखता है वो दिखाने के लिए रुमानी दरवाजे के पास आ गया, ताकि ऊपर से मैं आपको दिखा सकूं कि ओल्ड लखनऊ किस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने रुमानी दरवाज़ा है और यहीं से ओल्ड लखनऊ की एंट्री होती है। दरवाजे के बाद दूसरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये क्लॉक टावर ही है लखनऊ ओल्ड लखनऊ में। हेलो गाइस, आज डे 4 है। आज हम लखनऊ से इलाहाबाद के लिए निकलेंगे। कल रात को बहुत थक गए थे तो लखनऊ में ही रुक गए। लखनऊ में एक रूम लिया था, जैसे देख सकते हैं मेरे से पीछे एक एसी है, सोफा है, दो सोफा है और एक बेड है। मैं तुम भी दिखा देता हूँ। डिसेंट रूम है, अच्छा रूम है। हमें इसको करीब 1800 रुपए में पड़ा था रूम, प्लस जीएसटी अलग 12% जीएसटी है इसमें। बाकी एग्जैक्ट बिल, जैसे जो भी बिल होगा एग्जैक्ट बिल है, मैं आपको नीचे जाने के फादर के पास बिल पड़ा है, मैं आपको उसका दिखाऊंगा। इसके साथ हमें साथ में फ्री वाईफाई मिला था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं फ्री वाईफाई मिला था हमें। लॉगिन आईडी पासवर्ड करने के बाद हमारे अभी रात भर में इंटरनेट फ्री अनलिमिटेड चला था, अच्छी स्पीड थी वाईफाई की भी। लखनऊ में बहुत ही कम ऐसे होटल है जिसमें पार्किंग है। अगर आप अपनी कार वार लेकर आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अंदर कार रहे, तो बहुत ही कम ऐसे होटल हैं जिसमें पार्किंग इन अंदर की तरफ है। बाकी सारे पार्किंग गाड़ियों की बाहर मेन रोड पर ही रहती है बाकी सभी होटल, क्योंकि सभी होटल रोड को टच करते हुए है, इसलिए उनमें पार्किंग नहीं है प्रॉपर। कुछ ही ऐसे होटल थे जिसमें से एक ये होटल था जो हमने चूज किया था। और होटल के बारे में थोड़ा सा बताइए। होटल तो मैक्सिमम मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे होती हैं, रूम तो आपने देखे हैं, काफ़ी पुराना होटल है, कम से कम 30-35 ईयर्स। रात को हम इस होटल में रुके थे, होटल एम्बर, अच्छा होटल है। देख सकते हैं इसमें बहुत सारी पार्किंग है, सारी इंटरनल में ही है। इसकी मेन गेट एंट्री यहाँ से है और सारी पार्किंग है अंदर है, तो बाकी लखनऊ में बहुत ही कम ऐसे हैं जिसकी पार्किंग इंटरनल है। बाकी अगर आपको फैमिली के साथ आओ और गाड़ी लेकर आओ तो ऐसे ही एरिया देखें जहाँ पार्किंग हो सके। लखनऊ में रहना है, बेस्ट होटल चाहिए तो आप चार बाग की तरफ आए, वहाँ पर सारे होटल अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगी। कुछ में पार्किंग भी है इंटरनल, आपका होटल के पास में अंदर ले जाकर रख सकते हो।
हाय गुड मॉर्निंग, अभी हम लखनऊ से निकले हैं, अभी लखनऊ के अंदर ही घूम रहे हैं, कैंट के अंदर ही आ गया लखनऊ कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट एरिया लखनऊ बेस हॉस्पिटल है। कमान हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल है, कमान हॉस्पिटल लखनऊ। काफी अच्छा हरियाली एरिया है, भीड़ भी है। बेस हॉस्पिटल का कैंटीन है, यहाँ से कुछ सामान सामान आप ले जा सकते हो। यहाँ साइकिल पे चलने वालों को भी आगे पेशेंट्स को एडमिट चाहिए, मास्क चाहिए, बिना मास्क और एडमिट या साइकिल वाले भी नहीं चलते। आर्मी के लिए खास करके रेस्ट्रिक्शन लगा रखा, बाकी सिटीजन के लिए नहीं है। पीछे कोचिंग भाई साहब गए हमारा साइकिल को, अच्छा खासा हेलमेट लगा रखा है सिर पे। अभी इलाहाबाद एंट्री, इलाहाबाद की टोल आ गया है, इलाहाबाद का टोल देखते हैं। अभी यहाँ पर बड़ा भीड़ लगा हुआ है, क्या बोल रहे हैं? अभी उधर निकलता है, कभी निकलता नहीं है। ये टोल है इलाहाबाद के टोल, इस्लामाबाद के टोल से निकाल करके देखते हैं आगे, रुक करके इलाहाबाद निकलने के बाद रुक करके थोड़ा सा हम खाना बिना खाएंगे, खाना बिना खा करके गया के लेके निकलेंगे। क्लासेस भी चल रही हैं, मैं क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूं साथ में। हेलो दोस्तों, हमारा अलावा जाने का प्लान था, वो हमने कैंसिल कर दिया है। अभी डायरेक्ट हम लोग ब्रह्मपुर के लिए निकल रहे हैं। हमने अभी, मेरे पीछे आप रोड देख सकते हैं, ये रोड है इलाहाबाद बाईपास एक्सप्रेस। इससे होते हुए हम बनारस की तरफ निकल रहे हैं, बनारस भी शायद ही रुकेंगे। अगर ये रोड सही रहा तो हम डायरेक्टली ही रात में भी ड्राइव होगा, रात में भी हम लोग जितना कवर कर सकें, मोस्टली हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं फादर।
ताकि हम जल्द से जल्द पहुंच सकें, क्योंकि उड़ीसा में भी जाने के बाद ब्रह्मपुर में भी कुछ प्रोग्राम है हमारे, ताकि जल्द से जल्द पहुंच के उसको भी ख़त्म किया जा सके। इसलिए चलिए आगे क्या क्या आता है हम आपको दिखाएंगे आगे। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। फॉर अमेजिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन।